रिस्पेक्ट में वन होगा कैसे, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, तो एक्स की पावर एन को फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन बाहर आ जाएगा, वन एक्स की पावर वन माइनस वन हो जाएगा वन एक्स की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो होता है वन, तो वन इंटू वन हो जाएगा वन, तो एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हो, अगर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना हो तो ये वन आता है। एक तो तरीका ये सोच लें कि ये कट गया वन आ गया, दूसरा तरीका ये करें तो एक्स की पावर एन है तो एन बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन बाहर आ जाएगा तो एक्स की पावर एन है, एन की जगह पे वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है, तो वन एन की जगह पे वन है तो वन बाहर आ जाएगा, वन एक्स की पावर वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की पावर ज़ीरो वन होता है, वन इंटू वन वन आ गया, तो एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर वन नहीं, ये हम बोलें एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है वन। फार्मूले में भी देखें एक्स एन की जगह पे वन है तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर देखें, दूसरा फार्मूला, इफ वी डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूले हम रटे ले रहे हैं बट ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल में मिलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो हमें इसी 11th और 12th की मैथ में मिलेगा, जिससे जितने भी फॉर्मूले हैं सब डराइव हो के आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो ऑल द फार्मूले विच वी आर स्टडिंग हियर विल डिराइव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी से पूरे फार्मूले ये डिराइव होके आए। तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है अपने को, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, अगर मान लेते हैं साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, अगर हम मान लेते हैं वाई बराबर लॉग एक्स है, यहाँ पे बेस होता है ई, तो लॉग का बेस ई है और इसका मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोले कि वाई का डिफरेंशिएशन निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो निकलेगा नहीं, यहाँ वेरिएबल एक्स है और निकालना वाई का डिफरेंशिएशन है। तो हमने ये बोला था जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये ऊपर एक्स का ही वेरिएबल दिखना चाहिए। तो हमने बोला कि क्या यहाँ पे एक्स का कोई टर्म है, तो यहाँ तो वाई दिख रहा है, तो फिर हम गए वाई की वैल्यू पे, तो वाई की वैल्यू पे जब देखे तो यहाँ लॉग एक्स लिखा था, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो वन बाई एक्स आ गया। एक चीज़ यहाँ समझना है कि ये लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स तब होगा, यहाँ पे लॉग में एक शब्द होता है बेस,
लॉग का बेस ई हो तभी ये वन बाई एक्स होगा। लॉग में क्या चलता है, यहाँ पे बेस होता है, तो बेस में टेन भी होगा, लॉग का बेस टू भी हो सकता है, लॉग का बेस ई भी हो सकता है। तो अगर बेस ई है, अगर बेस ई है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स हो जाएगा। तो एक शब्द होता है लॉग, जिस लॉग का बेस ई होता है उसको हम लॉग का बेस जिसका ई हो उसको हम ln भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लॉग। लॉग जब पढ़ाया जाएगा, लॉग शायद इसमें है नहीं है, देखते हैं, है। तो लॉग में यहाँ पे बेस होता है, लॉग का बेस अगर ई है तो ln कहलाता है, नेचुरल लॉग। लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम ln कहते हैं, ln यानी नेचुरल लॉग। तो लॉग का, तो अगर ln लिखा है तो उसका बेस ई ही माना जाएगा, या लॉग अगर कहीं पे लिखा भी है तो बेस ई ही माना जाएगा, इसका बेस ई ही माना जाएगा। अगर लॉग लिखा है तो इसका बेस ई ही माना जाएगा, नहीं लिखा है तो भी, जब तक कि कोई बेस लिख के ना आए तब तक हम उसका बेस ई ही मानेंगे इस सिलेबस में। और अगर ln लिखा है लॉग तो वो बेस ई ही माना जाएगा, लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम ln लिखते हैं, जिसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, जिसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। लॉग एक्स जब है तो उसका बेस ई ही मानेंगे, ln भी लिख के आ गया है तो भी लॉग बेस ई ही है, लॉग भी लिखा है तो उसको हम अपने सिलेबस में ई बेस ही मानेंगे, और फार्मूले में वन बाई एक्स लिख देंगे, जब तक वो बेस अलग से ना लिख के देगा कि बेस सेवन है, बेस एट है, तो हम ऐसा मान लेंगे। कॉस एक्स का कोई डिफरेंशिएशन बोले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये कहाँ से आया ये फार्मूले, तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ से आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल अपने अभी इसमें नहीं है फिजिक्स में, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोई बोले टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो रही है, टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, इसके पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हुई थी। अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का निकालना हो तो ये ज़ीरो आता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन डी ये डेल्टा से ही तो डी बना है, तो डेल्टा यानी डिफरेंशिएशन भी चेंज है बट स्मॉल चेंज है, और कांस्टेंट कभी चेंज होगा नहीं, तो जब चेंज नहीं होगा मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, डेल्टा यानी चेंज बिग चेंज, डी यानी स्मॉल चेंज, तो कोई भी स्मॉल चेंज होगा ही नहीं कांस्टेंट में, और जब कांस्टेंट का चेंज नहीं होगा तो जब चेंज नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब क्या, ज़ीरो चेंज हो रहा है, डी मतलब क्या चेंज, हाउ मच चेंज, जैसे मैंने बोला फाइव का डिफरेंशिएशन बताइए, ज़ीरो, बिकॉज फाइव इज़ नॉट चेंजिंग विथ एक्स,
एक्स भले बदले उसके साथ फाइव थोड़ी चेंज हो सकता है, 5-6 थोड़ी हो जाएगा, 5.1 थोड़ी हो जाएगा। तो जब फाइव में चेंज नहीं आएगा तो इनिशियली भी चेंज फाइव, फाइनली भी फाइव, तो चेंज इन चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 5, इनिशियल भी 5, चेंज 0। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अगर कहीं पे बोले टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो फंक्शन भी क्यों बोलते हैं, सब मैथ वगैरह में आएगा फंक्शन जब पढ़ेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये सब सेक एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक फंक्शन की तरह कार्य करते हैं। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब एक फंक्शन की तरह कार्य करते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये अगर याद हो जाएं तो जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस 12th लेवल तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अरे 11th लेवल के क्वेश्चन को।